अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले। आज लेकर आए हैं चिकन पालक की रेसिपी। यह देखिए, हम चिकन ले चुके हैं, फिर उसमें एक कटोरी हम भर के दही डालेंगे इसमें। यह देखिए, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, 4 चम्मच डालेंगे ये हम। फिर इसमें जाएगा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जाएगा। फिर काली मिर्च जाएगी 4। फिर जीरा थोड़ा जाएगा इसमें। फिर तेज़पत्ता जाएगा 2। फिर एक कसूरी मेथी है, वो जाएगी थोड़ी सी, 1 चम्मच। फिर ये हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। फिर नमक जाएगा 1 चम्मच इसमें। फिर सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये देखिए, फिर इसको हम 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है चिकन पालक, एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप भी। पता ही नहीं चलता कि पालक का है कुछ। ये देखिए, हम पालक लिए थे ना, अच्छे से धुल के इसको तवे पे हम से भाप दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये देखिए पालक का कलर बिल्कुल नहीं गया है। जब भी आप हरी सब्जी बनाइए, खुले पे बनाइए, फिर इसको देखिए, कलर बिल्कुल नहीं चेंज होता है, एकदम हरी बनी है। फिर पालक हो चुकी है जो हम चिकन रखे थे 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद वो डालेंगे इस पर। हमारा 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए चिकन को अच्छे से तवे पे हम भून लेंगे। देख रहे हैं चिकन पे कितनी अच्छी कोटिंग आई है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। ये देखिए, फिर हम इसे पलट रहे हैं। इसको जो पालक नहीं खाते ना, इस तरीके से बना के देंगे ना, वो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि चिकन पालक, इसमें पालक डला है, कुछ सब्जी डली है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ट्रस्ट में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मेरी सारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये देखिए, हो चुका है ये चिकन। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल मेरा अच्छे से हो चुका है, जल चुका था। फिर एक हम दालचीनी डाले हैं। फिर उसमें हम प्याज 3 कटी रखे थे, ऐसे ही हम रखे काट लिए थे, वो डाल दिए हैं तेल में। ये देखिए, हमको बहुत गोल्डन नहीं करना, फिर भी थोड़ी सी लाल करनी है हमको। ये देखिए, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, हम डाल के चला दिए हैं इसको। ये देखिए, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारी प्याज हो चुकी है। ये जो हम पालक भाप दिए थे, फिर उसको हम पीस लिए थे, फिर उसका पेस्ट हम डाले हैं इस प्याज में। आप इसी तरीके का करिएगा तो ही आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, जिस तरीके से हम बनाए हैं। ये देखिए, पालक थोड़ा हमारा हो जाएगा, देखिए अच्छे से भून जाएगा। फिर ये हम अदरक लहसुन जो पीसे थे पहले, जो डाले थे चिकन में, वो हम डालेंगे 4 चम्मच इसमें। फिर इसमें थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल के सब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना, पालक का कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। ये देखिए, अच्छे से भून गया हमारा ये। बहुत ही ज़बरदस्त होगा बनके। ये देखिए, जो हमारा मसाला जो बचा हुआ था चिकन का, वो हम डाल दिए इसमें। बिल्कुल मत फेंकिएगा ये मसाला, इसको डाल के अच्छे से चला लीजिए।
ये मसाला अच्छे से भून जाएगा रहा। ये मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे 5 मिनट के लिए, धीमी आंच पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए हम, क्योंकि ये मसाला बहुत ही अच्छे से हमारा भून जाए, फिर हम कुछ और डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है, जैसे देख रहे हैं वीडियो में तेल छोड़ चुका है। ये देखिए फिर इसमें हम जो चिकन तवे पे किए थे वो डालेंगे इसमें हम, ये सारा, ये देखिए सारा हमारा चिकन जाएगा। आज तवे का मसाला है वो मत फेंकिएगा, क्योंकि उसमें पानी डाल के इसमें हम ग्रेवी में डाल देंगे, हम यूज़ कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ये देखिए जो तवे पे लगा था मसाला वो उसमें पानी डाल के इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छे से चला के देख रहे कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है सब्जी का, पालक का देख रहे एकदम हरा बना हुआ है। इसको हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। हमें हल्का से नमक कम लग रहा था, हम टेस्ट किए तो हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिए हैं, आप ही चेक कर लीजिएगा। देखिए अच्छे से मिक्स करके ये देखिए, फिर इसमें हम चम्मच डाल के ही ढक्कन कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से कलर चेंज नहीं होता है सब्जी का। ये देखिए हमारा हो चुका है 5 से 10 मिनट, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, सब वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल कोई पता नहीं पाएगा कि पालक चिकन बना है। ये देखिए बहुत ही लजीज बना है। ये देखिए बस हमारा रेडी हो चुका है, देख लीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, हमारे पास घर की हुई रखी थी वो हम डाल रहे हैं थोड़ी से। बस हम चूल्हा उसको ऑफ कर देंगे डालने के बाद। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।